सारा पानी जो है वो जम चुका है। चीचम ब्रिज, हाईएस्ट ब्रिज, ये यॉक हमें देख के डर रही है। ये देखो पंद्रह सौ कर दो। हो गया भाई डीजल फुल अपना, अब वापसी में टेंशन कोई नहीं है। अब दिखेंगे नज़ारे स्पीति वैली के, जो एक्चुअल नज़ारे हैं जिसके लिए हम इतनी दूर से आए हैं। बस हार्डली आई गेस 3-4 किलोमीटर के बाद स्टार्ट हो जाना चाहिए, बट अभी मेरे को कुछ दिख नहीं रहा ज़्यादा, पता नहीं क्यों। आई जस्ट होप कि सब दिख जाए यार अच्छे से। हाँ ये वाला रास्ता गया अपना मनाली के लिए, कुंजुम टॉप के लिए लेफ्ट वाला, और ये राइट निकलेगा अभी कीमनेश्वरी के ऊपर, वो रास्ता जा रहा है सामने, तो विलेज देख रहे हैं, वो रास्ता जा रहा है सामने अपना मनाली के लिए, और ये वाला रास्ता है अपना किब्बर, कीमनेश्वरी, चीचम, एक्केम। आज हम ये कवर करेंगे। इस सेम रोड की भी मेरे पास वीडियो पड़ी है 2020 वाले ट्रिप की, कितनी प्यारी सेम रोड की, कितनी प्यारी रोड है, और तब दोनों साइड पूरा वाइट था। मैं आ रहा हूँ तो बर्फ तो पिघल जाएगी ना। ये एक सोलह पर फोटो थी, देख क्या देख क्या, एक बहुत है। पहुंच गए भाई किब्बर विलेज, किब्बर की मिनिस्ट्री होगी यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर, बट यहाँ से की मिनिस्ट्री का ना व्यू दिख जाना, वो दिख गया, वो देख की मिनिस्ट्री दिख रही है ऊपर, हाँ वो दिख रही है ऊपर, हाँ दैट इज की मिनिस्ट्री। ओके इसमें आ रहा है, आ रहा है, आगे ये की मिनिस्ट्री का पहला व्यू, सनफ्लावर होमस्टे ये जिस दिख रहा है गूगल पे, तो स्पीति मैं लिखेगा ना तो फर्स्ट या सेकंड रेफरेंस वीडियो इमेज तेरे को इसी की आएगी, की मिनिस्ट्री, की मिनिस्ट्री की। ये यहाँ से एक रास्ता कटेगा, यहीं से कटेगा, आगे आगे से कटेगा, यहीं से कटना चाहिए, की मिनिस्ट्री के लिए आगे से कटेगा रास्ता, सॉरी आई एम सॉरी, बंद कर देता हूँ। ओल्डेस्ट होम स्पीति की, ये होता 360 जो लगा था ना लंबा वाला ऊपर, हाँ। बाइक के ऊपर, हाँ। वो होता 360 किब्बर 7 किलोमीटर। अच्छा वो किब्बर एरिया था जो मैं विलेज सोच रहा था, किब्बर नहीं था वो है, आपने कमेंट्री कर दी उसके अंदर, गाड़ी तो नहीं आ रही ऊपर से, आ रही है, आ रही है, और यही निकल रही, निकल जाएगी, यहाँ से कटेगा की का रास्ता, की चले जाएगा ऊपर, हम चले जाएंगे सीधे जुलाई। अच्छा अभी आगे कटेगा, अभी हम रॉन्ग अगेन यार, इतनी बार मत रॉन्ग करा करो यार, वो रहा सामने कटा हुआ रास्ता, ये रहा इधर, कहाँ दिख रहा है तेरे को, ये रहा, ये रहा, कहाँ दिख रहा है तेरे को, नेक्स्ट मोड पे, हाँ नेक्स्ट मोड पे होगा, वो गेट है ना उधर, बड़ा बहुत बड़ा गेट है एक्चुअली। अच्छा looking for it only, but तो क्या बना रखा था पीछे, कपड़े बड़े बांध रहे थे तो secret something यार। ये जो राइट साइड पे देख रहा हूँ ये जा रहा है की मिनिस्ट्री का रास्ता, ठीक है, तो हम निकलेंगे सीधा किब्बर की तरफ, ये चला गया ऊपर की मिनिस्ट्री के लिए, किब्बर है यहाँ से 5 किलोमीटर। ये देख भाई, ये देखना चाहता था ना मैं, हाँ दोनों साइड, अभी और आएगा आगे, चलो कहीं तो देखो भाई और आएगा आगे, ये तो अभी शुरुआत है, ये तो अभी शुरुआत है। सो रुके थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए, एक्चुअली एक चीज देखी थी, सोचा आपको दिखाता हूँ, ये ट्रॉली सिस्टम होता है एक्चुअली, कि एक
पहाड़ की एक साइड से पहाड़ के दूसरी साइड पर कैसे लेके जाते हैं यहाँ पर गांव में, सो वो दिखाने वाला हूँ आपको। सो ये है वो टॉयलेट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये इस साइड से लेके उस साइड तक बांध के रखते हैं ताकि जो भी सामान कैरी करना हो सो आप यहाँ से क्रॉस कर सकते हो। मैं थोड़ा सा दूर से दिखाता हूँ आपको, दूर से दिखेगा नहीं। सो ये इस जगह से लेके अब वो उस साइड पे आपको अगर कोई सामान पहुँचाना है सो आप इस ट्रॉली से लेके जाते हो, इस ट्रॉली से लेके जाते हैं एक्चुअली यहाँ के लोग। और ऐसा है अभी यहाँ का वेदर। अभी आगे जाके दिखाता हूँ आपको किब्बर के पास काफ़ी ज़्यादा टीम्स बैठी होंगी, डिस्कवरी चैनल एंड देन एनिमल प्लैनेट एंड और काफ़ी ज़्यादा फ्रीलांसर्स सिर्फ एक मूवमेंट कैप्चर करने के लिए स्नो लेपर्ड का, क्योंकि स्नो लेपर्ड बहुत कम दिखता है यहाँ पर। गोस्ट ऑफ हिमालयस बोलते हैं क्योंकि वो कैमोफ्लॉज कर लेता है अपने आप को। सो उसका एक मूवमेंट कैप्चर करने के लिए ये टीम्स पूरा पूरा दिन बैठती हैं। सो दिखाते हैं आपको वो भी टीम्स और चलते हैं अभी यहाँ से आगे। प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है बट पानी भी नहीं मिल रहा, और जो हमारे पास पड़ा हुआ वो भी पिया नहीं जा सकता अभी, एंड रीज़न बीइंग कि सारा पानी जो है वो जम चुका है, 3-4 बॉटल्स हैं सबकी सब जम चुकी हैं, और पानी ना मिलने के चक्कर में भी हल्का सा सर दर्द स्टार्ट हो गया। सो अभी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि कहीं से पानी मिल जाए और पानी पिया जाए पहले। तो चलो चलते हैं यहाँ से आगे और देखते हैं कहीं से पानी वगैरह मिल जाए, चाय वाय मिल जाए, थोड़ा डिहाइड्रेशन दूर करें। ब्लैक आइस थोड़ी सी कम है लेकिन है, और इधर देखना अंदर काइंड ऑफ गॉर्ज है अभी। खाई देखोगे भैया से तो कोई लाइन नहीं दिख रही ना, यहाँ पर भी तेरे ना स्नो लेपर्स बैठ जाते हैं ऐसी ऐसी जगह पर। अच्छा भाई बर्फ है ही नहीं, बिल्कुल भी बर्फ नहीं है। बस अभी पहुंचने वाले हैं उस स्पॉट पर जहाँ पर वही गाड़ियाँ लगी रहती हैं टीम्स की स्नो लेपर्ड का मूवमेंट कैप्चर करने के लिए, जगह कोई मिली नहीं गाड़ी लगाने के लिए। सो अब चलते हैं चीचा ब्रिज की ओर और लौटते वक्त देखेंगे यहाँ पर रुकने के लिए थोड़ी देर, और अपने नेकेड ऐसे मिल गया स्पॉट अभी के अभी देखेंगे। तो स्पॉट तो अच्छा मिल गया और कोशिश करते हैं नेकेड ऐसे स्पॉट करने की, कुछ दिखता है तो। सो ये यहाँ पर गाड़ियाँ लगी हैं सब, और टीम मेंबर्स सब यहाँ पर हैं नीचे, वो सामने दिख रहे हैं, मैं जूम करके दिखाता हूँ एक बार, आई होप कि दिख रहे होंगे आपको। ये यहाँ पर ये सब स्नो लेपर्ड का एक मूवमेंट कैप्चर करने के लिए इकट्ठे हुए हैं वहाँ पर, और ऐसी कुछ लोकेशन है ये, और वो सामने हिक्किम विलेज है यहाँ पर। तो अगर चीचम ब्रिज क्रॉस हो गया, क्रॉस करने लायक हुआ तो हिक्किम की तरफ भी जाएंगे, और लौटते वक्त जहाँ पर वो टीम्स हैं वहाँ पर भी देखेंगे जाकर। सो आई गेस हम पहुँच गए हैं चीचम ब्रिज के पास, बस ये टर्न लेते ही चीचम ब्रिज दिखना स्टार्ट हो जाएगा शायद से पास में। हाँ ये रहा चीचम ब्रिज, बराबर यस यस यस। यहाँ पे बस ब्लैक आइस ना हो, थोड़ा आराम से चलना पड़ेगा। दिस इज चीचम ब्रिज, हाईएस्ट ब्रिज। मुझे डर लग रहा है
रहा है इस ब्रिज पे चलते हुए, पता नहीं क्यों डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है सीरियसली। आगे जी क्रॉस करके ये का सब बंद है ट्रक्स। देखते हैं कुछ चाय भाई तो कुछ होगा तो देखते हैं। यहाँ पर वीराना सा गांव लग रहा है बड़ा, ये कोई चहल पहल नहीं बाहर से। हाँ एक बंदा दिखा भाई तब से, और सच में बड़ा वीराना गांव है। गाड़ी ने स्केड हल्का सा द नोमैड्स कॉटेज 100 meters। यहाँ के देखो कुत्ते, ओ भाई कवर करना कवर करना उसको सही। चलो आगे एक और है यहाँ पर भाई आगे को पूछते हैं आगे कुछ, आगे मेरे को लग नहीं रहा मोड़ कटेगा। आगे जाने का है रास्ता कुछ आगे तक है। ठीक है थैंक यू। जाबर चीज है। ओ भाई यही हैंड चीचम का। इसके अगर रोड ही बंद है, रोड है नहीं इनफैक्ट आगे इसके। मेरे को लग रहा था कुछ खाने पीने का कुछ हो जाएगा सीन यहाँ पर, बट दिख नहीं रहा, सब कुछ ही बंद है यहाँ पर, कुछ भी नहीं दिख रहा। तो देखते हैं अब किब्बर की तरफ निकलते हैं, वहाँ पर कुछ मिलेगा तो देखते हैं, खाते हैं भाई पीते हैं कुछ। ये यहीं तक है रोड, आगे वो बाइक का रास्ता गया उस घर तक, और ये है पीछे ऐसा अभी। तो ठीक है चलो चलते हैं वापस कहीं पर, देखते हैं कुछ खाने पीने का जुगाड़ हो जाए यार, नहीं तो चाय तो बन सकती है खुद भी। क्या बोलते हैं चीचम ब्रिज के पास बनाते हैं चाय? हाँ चलो चीचम ब्रिज के पास बनाते हैं कुछ चाय भाई खुद से। ये यॉक हमें देख के डर रही है, ये देखो तुझे क्या वो भाई। डॉग देखना प्यारा लग रहा है, डॉग देख कलर देखो कितना प्यारा लग रहा है इसका। ओ भाई ये कौन है, कौन सा डॉग है ये? यही बूटिया यहाँ का देसी। वाह 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 वाह, तो पास आ रहा है।
सो ये रहा सामने चिचम गांव। अच्छा गांव है बट कुछ देखने लायक नहीं था यहाँ पर ऐसा। एक जो एक नेचुरल ब्यूटी, जो एक पहाड़ों का जो नॉर्मल गांव रहता है वैसा ही है, बट एक उसके सराउंडिंग्स बहुत अच्छे हैं यहाँ के। तो ठीक है, अब चलते हैं यहाँ से चिचम ब्रिज की ओर और कूच करते हैं किब्बर की तरफ। पहुंच गए जी वापस चिचम ब्रिज पर। किब्बर गांव देखने पहले या फिर बनाए अंदर? किब्बर देख लेते हैं ना, कुछ मिलता है तो। तो ये है जी चिचम ब्रिज और अभी चिचम ब्रिज पर ही खड़ा हूँ मैं। ये है जी चिचम ब्रिज। मैं आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे को हाइट से लगता है डर, तो मैं जाऊंगा नहीं आगे, बट दूर से दिखाता हूँ। और ये पुल एक्चुअली हिल रहा है, सस्पेंशन ब्रिज है सो हिले गई, बट ये है नीचे आप देख सकते हो, और काफ़ी खूबसूरत सब ब्रिज है ये। तो मुझे लगता है कि इस ब्लॉग का एंड करने का ये सही टाइम भी है और लोकेशन भी है। सो करते हैं ये अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई लोकेशंस के साथ। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। ये बहुत ही आइसोलेटेड सा रास्ता लग रहा है। अरे टेम्पो ट्रैवलर भी फंस गई यहाँ पर। अरे भाई चिचम किब्बर तो कुछ नहीं है इसके सामने।